कॉल्स इन एरियर्स। पिछली वीडियो में हमने जनरल एंट्री पढ़ी थी, सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन, बट्टे पर अंशों का निर्गमन, प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन हमने पढ़ लिया था। कॉल्स इन एडवांस की जनरल एंट्री, ब्याज की जनरल एंट्री हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर्स। व्हेन द कंपनी सेंड्स नोटिस टू द शेयर होल्डर्स टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, इट हैज़ टू बी पेड बाय देम विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। इफ़ इट इज़ नॉट पेड बाय एनीवन और मोर ऑफ द शेयर होल्डर्स, द अनपेड अमाउंट बिकम्स एरियर्स ड्यू फ्रॉम देम। सच एरियर्स आर transfer to an account termed as calls in arrears account. The company is authorized to charge interest on calls in arrears at the rate 5% per annum for the intervening period. Accounting treatment. जब कुछ अंशधारियों द्वारा कुछ अमाउंट का पेमेंट नहीं किया जाता है तो वो calls in arrears कहलाता है। कॉल्स इन एरियर्स के लिए जनरल एंट्री होती है और कॉल्स इन एरियर्स पर इंटरेस्ट लिया जाता है, वो है 5% की दर से। द फॉलोइंग जनरल एंट्री इज़ मेड टू रिकॉर्ड कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और कॉल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट और कॉल मनी नॉट रिसीव्ड ऑन शेयर्स। When the unpaid balance is received, later on the following journal entries made, bank account debit to calls in arrears. यदि ये calls in arrears की amount received हुई है तो उससे entry हो जाएगी bank account debit to calls in arrears account. Amount due on allotment, call remaining paid now receiving on shares. Four features of shares. If a shareholder fails to pay the due amount of allotment or any calls on shares issued by the company, the board of directors may decide it to cancel his or her membership of the company. With the cancellation, the defaulting shareholder also loses the amount paid by him or her on such shares. Thus, when a shareholder is deprived of his or her membership due to non-payment of calls, it is known as forfeiture of shares. यदि कोई अंशधारी अपने अंशों पर किसी कारणवश कंपनी द्वारा मांगी गई राशि या राशियों, आवंटन राशि, मांग राशि या दोनों का निर्धारित समय में भुगतान नहीं करता है तो कंपनी को उसके विरुद्ध दो अधिकार प्राप्त होते हैं। वह दोषी अंशधारियों के विरुद्ध बकाया राशि वसूल करने के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है या वह अंशों को जब्त या उसका हरण कर सकती है। अंशों के हरण की प्रक्रिया क्या है? भारतीय कंपनी विधान में अंशों के हरण के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है, अतः कंपनी के अंतर्नियमों में स्पष्ट व्यवस्था होने पर अथवा सारणी अ के अनुसार कंपनी द्वारा अंशों का हरण किया जा सकता है। उक्त सारणी के अनुसार अंशों के हरण के पूर्व 14 दिन का लिखित नोटिस रजिस्टर्ड डाक से दिया जाना आवश्यक है। इसके अनुसार उस व्यक्ति को अपने अंशों पर बकाया मांग अथवा मांगों की राशि ब्याज सहित एक निश्चित तिथि तक चुकाने हेतु कहा जाता है, अन्यथा उसके अंशों का हरण कर लिया जाएगा। यह भी लिख दिया जाता है, ऐसे नोटिस के बावजूद भी अंशधारी अपने अंशों पर बकाया मांगों को निर्धारित अवधि में नहीं चुकाता है तो संचालक मंडल उसके अंशों के हरण करने का प्रस्ताव प्रारित कर अंशधारी को सूचित कर देते हैं। इसके अनुसार उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जाती है तथा उसके द्वारा चुकाई गई राशि को कंपनी जब्त कर लेती है। अंशों का हरण केवल मांगों की राशि का भुगतान न करने पर ही किया जा सकता है, अन्य कारणों से नहीं। यदि कंपनी द्वारा किसी व्यापारिक ऋण का भुगतान न करने के कारण किसी अंशधारी के अंशों का हरण किया है
तो यह हरण अवैध माना जाएगा। कंपनी अधिनियम के अनुसार अंशों के हरण के उपरांत भी भूतपूर्व अंशधारी उन अंशों का बकाया मांग राशि का भुगतान करने हेतु कंपनी के प्रति दायी बना रहता है। कंपनी चाहे तो बकाया राशि को वसूल करने का वाद प्रस्तुत कर सकती है। व्यवहार में ऐसा उपयुक्त नहीं माना जाता है, अतः प्राय कंपनियां हरण किए गए अंशों को अविलंब पुनः निर्गमित कर देती है ताकि भूतपूर्व अंशधारी का दायित्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। फोरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। व्हेन शेयर्स इशूड एट पार आर फोरफीटेड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी एज फॉलोज। फर्स्ट है डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट विद अमाउंट कॉल्ड अप वेदर रिसीव्ड और नॉट पर शेयर अप टू द टाइम ऑफ फोरफीचर। क्रेडिट शेयर फोरफीटेड अकाउंट विद द अमाउंट रिसीव्ड अप टू द टाइम ऑफ फोरफीचर। थर्ड वन इज क्रेडिट अनपेड कॉल्स अकाउंट विद द अमाउंट ड्यू ऑन फोरफीटेड शेयर्स। द जर्नल एंट्री इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट और टू अनपेड कॉल्स अकाउंट। जो अमाउंट कॉल्ड अप है वो आ जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट में। अगर अमाउंट जितनी अमाउंट का पेमेंट हुआ है तो आ जाएगा टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट में और टू अनपेड कॉल्स में आ जाएगी अमाउंट कॉल्ड बट नॉट पेड। तो अमाउंट कॉल्ड अप इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप पर शेयर। अमाउंट कॉल्ड अप इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इज मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप पर शेयर। अमाउंट पेड नंबर ऑफ शेयर्स इज मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट पेड पर शेयर। अमाउंट कॉल्ड बट नॉट पेड नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट कॉल्ड बट नॉट पेड पर शेयर। एक उदाहरण देखें। एक्स अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच हैज पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ रुपीज 2 पर शेयर एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज 3 पर शेयर बट हैज़ फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर एंड सेकेंड कॉल ऑफ रुपीज 3 पर शेयर। ही शेयर्स वर फॉरफिटेड मेक द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। सो अंश हैं 10 रुपये के हिसाब से जिसमें 2 रुपये एप्लीकेशन मनी का, 3 रुपये अलॉटमेंट मनी के, लेकिन एक अंशधारी क्या हुआ है, फर्स्ट जो कॉल है 2 रुपये पर शेयर की और सेकंड कॉल की 3 रुपये पर शेयर। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, जो अंशधारी था एक्स उसके इन 100 अंशों को हरण कर लिया गया क्योंकि वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट करने में सक्षम नहीं था। तो मेक द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। 100 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 1000 रुपीज। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 100 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 500 एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल इज 100 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 200 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल इज 100 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 300 रुपीज़ फॉर फीचर ऑफ 100 शेयर्स। सो अंशों का हरण कर लिया गया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आ गई आपकी 1000 रुपीज़, टू शेयर फॉरफिटेड में आ गया 500 रुपीज़, टू शेयर फर्स्ट एंड टू शेयर सेकेंड कॉल 200 एंड 300 रुपीज़ फॉर फीचर ऑफ 100 शेयर्स। सो अंशों का हरण कर लिया गया। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। इन केस शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड देयर आफ्टर फॉरफीटेड देयर कैन बी टू सिचुएशंस। फर्स्ट है प्रीमियम ऑन शेयर्स हैज़ बीन रिसीव्ड प्रायर टू द फॉरफीचर। अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड एंड इट स्टिल स्टैंड्स क्रेडिट टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम मनी हैज़ बीन रिसीव्ड प्रायर टू द फॉरफीचर। इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स फॉरफीटेड हैज़ बीन रिसीव्ड
by the company prior to the forfeiture, securities premium account will not affect it. In this case of the journal entry of forfeiture of shares will be similar to the entry made as if the shares had been issued at par. दो conditions हैं कि forfeiture shares को एक तो premium पर और एक discount पर उनको issue ये reissue किया जा सकता है. तो इसकी जर्नल एंट्री होगी. सबसे पहला शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और टू अनपेड कॉल्स अकाउंट और कॉल्स इन एरियर अकाउंट. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू अनपेड और कॉल्स in arrear forfeiture of share issued at premium. Premium on share has not received and stands credited to securities premium account as due but not paid. When a share is forfeited on which the amount of premium has been made due but has not been received either wholly or partially, the securities premium account will be cancelled. At the time of making due, securities premium account will be credited. The journal entry will be as follows: share capital account debit, securities premium account debit to share forfeited account to unpaid calls account. Forfeiture of shares originally issued at premium due to non-payment of dues. यदि सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण हुआ है तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट. अंशों पर मांगी गई राशि से, फर्स्ट कॉल पर प्रथम मांग पर बकाया राशि से और हरण किए गए अंशों पर प्राप्त राशि से. प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण यदि प्रीमियम की राशि बकाया की प्रीमियम की राशि भी बकाया है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट मांगी गई अंश पूंजी राशि से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट प्रीमियम की राशि से, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बकाया आवंटन राशि से, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बकाया प्रथम और आखिरी मांग राशि से, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जब्त अंशों पर प्राप्त राशि से. प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट. अंश पूंजी की मांगी गई राशि से, बकाया प्रथम और आखिरी मांग राशि से, प्रीमियम को छोड़कर शेष प्राप्त राशि से. बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट. बट्टे सहित मांगी अंश पूंजी राशि से, निर्गमन पर बट्टे की राशि से, बकाया आवंटन राशि से, बकाया प्रथम और द्वितीय मांग राशि से और हरण किए अंशों पर प्राप्त राशि से. ये आपकी जर्नल एंट्री होंगी जब अंशों का हरण किया गया, अंशों के हरण के बाद में उनका पुनर्निर्गमन किया गया, अंशों के हरण के समय जब कोई अंशधारी अंश चुकाने की मांग राशि चुकाने में असफल हुआ तो उसके अंशों का हरण कर लिया गया, अंशों के हरण पर ब्याज भी लगाया गया, उसके बाद उनको जब पुनः निर्गमित किया गया तो सम मूल्य पर भी उसका निर्गमन हुआ, उसका निर्गमन प्रीमियम पर भी हुआ, उसका निर्गमन बट्टे पर भी हुआ और
हरण किए गए अंश जो हैं प्रीमियम पर ही उनका हरण हुआ और प्रीमियम पर ही उसका जो बकाया मांग राशि है उससे उसका निर्गमन हुआ, तो उसकी अलग अलग जर्नल प्रविष्टियाँ की गई और अंशों के हरण की दो दशाएं थी। पहली तो ये हो सकती है कि वह दोषी अंशधारियों के विरुद्ध बकाया राशि वसूल करने के लिए न्यायालय में विवाद प्रस्तुत कर सकती है कंपनी, और दूसरी जो चीज़ है वो है कि वह अंशों को उनका हरण भी कर सकती है, जब्तियाँ उनका हरण कर सकती है। दो दशाएं हैं लेकिन कंपनी जो है प्रथम वाली दशा का उसके लिए थोड़ा सा काम लंबा खिंच सकता है, इसलिए कंपनी प्राय क्या करती है अंशों को जब्त या उनका हरण करना ही उसको थोड़ा सा ठीक लगता है, उसको अविलंब वह क्या कर सकती है उसको उनका हरण कर सकती है। और प्राय कंपनियां क्या करती है उनको जो अंश हैं उनका हरण करके और फिर अविलंब उनका पुनः निर्गमन कर देती हैं ताकि भूतपूर्व अंशधारी का दायित्व क्या होता है स्वतः ही समाप्त हो जाता है।